हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप 56 और 57 की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी कर दी है। साथ में आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दोनों ग्रुपों में 27,044 कैंडिडेट रिपीट, माफ कीजिएगा, 2744, जी हाँ दोस्तों, 27,044 कैंडिडेट रिपीट होंगे। यानी कि जो दोनों ही ग्रुपों में, 56 ग्रुप में भी और 57 ग्रुप नंबर में भी एग्ज़ाम देंगे कॉमन स्टूडेंट, वे लगभग 27,000 जो ना स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमन एग्ज़ाम देंगे। 5 और 6 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में होगी परीक्षा, तो 5 को भी मॉर्निंग में और 6 को भी मॉर्निंग, दोनों ही शिफ्टों में मॉर्निंग में परीक्षा रहेगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त होगी यात्रा जिनका होगा एग्ज़ाम। अगले ग्रुपों की परीक्षा जो 19 और 20 अगस्त को संभावित अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि जो 56 और 57 के बाद जो दूसरे ग्रुप हैं उनकी परीक्षा कब तक होगी, तो उन्होंने जवाब दिया 19 और 20 अगस्त को ये परीक्षाएं संभावित हैं। उन्होंने कहा कि HPSC के शेड्यूल को देखते हुए ऐसे ग्रुपों की परीक्षा HSSC निर्धारित करेगा जो योग्यता HSSC की कैटेगरी के लिए चाहिए वह HPSC के लिए न हो, ताकि दोनों आयोगों की परीक्षा में कोई क्लेश न हो। यानी कि 19 तारीख को आपका HPSC के भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए ऐसे ग्रुप की परीक्षा होगी जिसमें जो है ना, जिसकी योग्यता HPSC के एग्ज़ाम से मेल न खाती और कैंडिडेट वहाँ पर एग्ज़ाम उसका न हो। 6223 कैंडिडेट ने अंक छोड़े अध्यक्ष। सामाजिक और आर्थिक मानदंड का जो अंक छोड़ने के लिए पोर्टल खोला था उसमें 6223 कैंडिडेट ने अंक छोड़े हैं। आयोग ने उनका दावा छोड़ने के लिए स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि फादरलेस, सरकारी नौकरी न होने, ESM नॉन जॉब के लिए जिन्होंने नंबर छोड़े हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि जो आवेदक क्लेम करेगा उसे ही स्वीकार किया जाएगा। आयोग नंबर छोड़ने का मौका तो दे सकता है मगर आवेदन के बाद क्लेम नहीं ले सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इतने मौके देने के बावजूद अगर किसी को सरकारी नौकरी न होने के बदले अंक लिए हैं तो दस्तावेज जांच के समय बाद में अगर पता चलेगा कि गलत नंबर लिए हैं तो उसके खिलाफ न केवल FIR दर्ज होगी बल्कि 3 साल के लिए परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेगा। चयन तो रद्द होगा ही। उन्होंने कहा कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT 2 अगस्त से शुरू हो चुका है और TGT की दस्तावेज जांच जो है वो चल रही है। ग्रुप नंबर 56 और 57 की पहली सूची में 4225 कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो नंबर छोड़ने के कारण दोस्तों, और नए कैंडिडेट 3699 यानी 3700 कैंडिडेट नए शामिल हुए हैं। कवलजीत सैनी, आयोग के सदस्य कवलजीत सैनी ने दैनिक सवेरा को बताया कि अंक छोड़ने के दावे के बाद जो संशोधित सूची जारी की गई है उसके अनुसार ग्रुप नंबर जो संख्या 56 है उसमें जो सूची जारी हुई है उसमें 2111 उम्मीदवार बाहर हो गए हैं और 1880 नए उम्मीदवार इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने फिर बताया कि ग्रुप नंबर जो 57 की संख्या थी उसमें पहली सूची से लगभग 2500 के करीब कैंडिडेट बाहर हुए हैं और 2000 के करीब नए कैंडिडेट शामिल हुए हैं। यानी दोनों ग्रुपों में से लगभग 4525 बाहर हुए और 3699 नए शामिल हुए। दोनों ग्रुपों में 68,076 उम्मीदवार बुलाए गए, यानी तकरीबन मान के चलिएगा दोस्तों 6870 के करीब जो ना उम्मीदवार जो हैं एग्ज़ाम देंगे और 27,044 ऐसे कॉमन उम्मीदवार हैं जो दोनों ही ग्रुप में परीक्षा देंगे। बहुत सारे उम्मीदवार दोस्तों इसमें परीक्षा नहीं भी दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे CGL ज्वाइन कर चुके हैं और अन्य भर्तियों में जो ना टॉपर्स की लिस्ट में जो थे वे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप संख्या 56 में लगभग 36,557 में लगभग 32,000 जो कैंडिडेट हैं वे परीक्षा देंगे। उधर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं, ये जारी हो चुके हैं। कल थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी दोस्तों, लेकिन अब जो है ना इजीली ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं। ग्रुप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 के लिखित परीक्षा के लिए बुलाई गई उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी कर दी है। आगामी 5 और 6 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में यह एग्ज़ाम है। जिन्होंने अंक छोड़ने थे और जिन्होंने कैटेगरी दुरुस्त कर दी थी वो सूची भी दोबारा जारी कर दी है। 2 अगस्त से आपके PMT भी शुरू हो चुके हैं क्योंकि तो दैनिक सवेरा लगातार ये मामला उठा रहा था। इससे कम मेरिट वाले जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं और जो जिनके नंबर थे वे इस सूची में शामिल हो गए हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को जिन जिलों में परीक्षा होगी उनमें रोडवेज की बसों में उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उनके पास वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। मनोहर लाल और परिवहन विभाग ने के प्रधान सचिव ने निर्देश दिए कि जिनका एग्जाम है जिन जिलों में उनके लिए मुफ्त जो है रोडवेज यात्रा है ये परीक्षाएं जो पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और हिसार जिलों में होंगी। 6 अगस्त को रविवार है मगर 5 अगस्त को वर्किंग डे है, इसलिए आयोग ने स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 5 अगस्त को परीक्षा केंद्रों वाले स्कूलों, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों में नॉन वर्किंग डे घोषित किया जाए। साथ ही में यह भी आग्रह किया कि
परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा के लिए तैनात स्टाफ को ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो ये आज मेन न्यूज़ थी दोस्तों। अगले जो एग्ज़ाम है 5 और 6 के बाद वे 19 और 20 को संभावित हो सकते हैं। यहाँ पे JEE वगैरह की या और अन्य ऐसे परीक्षाएं हो सकती हैं जो आपके HPSC से मेल न खाती हो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।